राशन कार्ड होते हुए भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है पूरा राशन। नमस्कार, आप देखते हैं एनएस डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि राशन कार्ड के लेते हुए अहम जानकारी आज आप तक जो है वो साझा करने जा रहा हूं। इस समय की अगर बात करें तो लोग जो है वो चाहे फिर ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे फिर वो शहरी क्षेत्र के हों, राशन को लेकर जो है वो काफी नाराज है, काफी परेशान है। लोगों का कहना है हमारे पास राशन कार्ड है, चाहे वो NPHH है चाहे फिर वो PHH है, यानी कि PHH यानी कि BPL, उसके बावजूद भी हमें जो है वो पूरा राशन जो है वो नहीं मिल रहा है। अब पूरा राशन अगर कहे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डिपो वाले उनको जो है वो राशन नहीं दे रहे हैं, जो सरकारी डिपो वाले हैं, जो सरकारी दुकान रहती है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से सरकार उनको राशन भेज रही है उसी तरह से लोगों को राशन जो है वो मुहैया हो रहा है और लोग जो है इससे संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है। लोगों का कहना है कि 3 साल पहले हमें राशन जो है वो 10 किलो पर हेड मिलता था, आज 5 किलो पर हेड भी नहीं मिल रहा है। 3 साल पहले हमें दालें भी जो है वो मिलती थी, हमें चीनी मिलती थी, हमें सही ढंग से पूरी तरह से चावल भी मिलते थे, आज नहीं मिल पा रहे हैं। और जो हमने जानकारी जुटाई कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से लोग जो है वो परेशान है, तो आज खबर आपके लिए बड़ी अहम है, जरा ध्यान से सुने। मैं आपको बता दूं कि इस समय की अगर बात करें तो लोगों को राशन जो है पर हेड के मुताबिक 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो की अगर बात करें वो पूरा नहीं है, 4 किलो 800 ग्राम राशन इस समय लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है पर हेड। जाने की अगर घर के 4 सदस्य हैं तो उनको लगभग 19 किलो के करीब जो है वो राशन मिलेगा। उसमें 19 किलो में 4 किलो मात्र चावल और 15 किलो उनको आटा जो है वो मिलेगा। और कई जगहों पर ऐसा होता है कि चावल की खेती नहीं होती है, लोगों के पास अपनी जमीन जिनके पास है तब भी, और अगर नहीं भी जमीन है तब भी परेशानी रहती है, क्योंकि जो मैदानी इलाके रहते हैं जहां पर चावल की खेती होती है, यानी कि धान की खेती जो इस तरह से होती है, वो खेती होने के बावजूद लोगों को अगर वो बिक्री ना करें तो उनका खर्चा भी पूरा नहीं होता है। और दूसरी तरफ जिनके पास जमीन नहीं है या फिर पहाड़ी लोग हैं उनको जो है वो चावल की पैदाश नहीं होती है, तो उनको चावल सही ढंग से चाहिए होते हैं तो नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो इसी वजह से लोग जो है वो काफी परेशान है। लोगों का कहना है 3 साल पहले 10 किलो पर हेड मिलता था, उसमें 3-4 किलो चावल मिलते थे, 6 किलो आटा मिलता था, घर के 4 सदस्य हुआ करते थे तो 24 किलो लगभग आटा और 16 किलो लगभग चावल मिलते थे, यानी कि 40 किलो अगर मैं डोगरी भाषा में कहूं तो एक मन जो है वो चावल राशन जो है वो लोगों के घर जो है सरकार देती थी। और आज मौजूदा हालात में लोगों को मात्र राशन सिर्फ नाम का जो है वो मुहैया हो रहा है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि जो कई बार गांव में शहर में भी होता है, गांव में लोग जब कहते हैं कि अगर कुछ मांगने के लिए भी अगर घर पर आ जाए तो हमें अगर चावल या फिर आटा देना हो तो वो तो वहीं पे चला जाएगा, 15-20 किलो तो हमारा वहीं पे निकल जाएगा। अगर कोई मांगने तो आ गया, जब उसे देना है तो उसके बावजूद हमारे पास तो बाद में कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि इस समय 4 किलो 800 ग्राम राशन जो है पर हेड दिया जा रहा है, उसमें 1 किलो चावल और 3 किलो 800 ग्राम जो है वो आटा। अब आप बताएं कि अगर 4 सदस्य घर के हैं तो क्या ये राशन इनफ है? तो कहीं ना कहीं राशन को लेकर लोग जो है वो इस समय परेशान है। ज्यादातर लोग परेशान वो रहते हैं जिन लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वो लोग ज्यादा परेशान है, राशन उनको जो है पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना 3 साल पहले हमें अच्छा राशन मिलता था। और दूसरी तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुफ्त राशन जो लोगों में जो है वो योजना निकाली थी, उस योजना में लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है वो भी इसी एवरेज के मुताबिक दिया जा रहा है। अगर उनका कहना है कि अगर 5 किलो पर हेड अगर मिले तो 5 किलो हमारा वो हो, तो 10 किलो ही पर हेड मिले तो तब भी हमें 40 किलो पर महीने का मिले,
और वो भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग इस समय राशन को लेकर परेशान है। तो सरकार चाहे वो जम्मू कश्मीर की है चाहे केंद्र की है, कहीं ना कहीं इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। स्पेशली जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस समय राशन को लेकर काफी परेशान है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ नए अपडेट के लिए, देखते रहें NES Result TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।